मेरे प्यारे दर्शकों को आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक और लक्षद्वीप से ले तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है, साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो हैदराबाद चुनाव में किसका चमका भाग्य। ऐसे 56% लोगों ने वोट देकर देश की बहस मुद्दा बनाना चाहा है। देश के सबसे बड़े नगर निगमों से एक ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में वोटों की गिनती अभी तक जारी है, सिर्फ एकाध कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और अब जो नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी है। बीजेपी 48 सीटें जीत गई है और एक पर आगे चल रही है, यानी 49 सीटें उसकी झोली में आ सकती है, 49 सीट। ओवैसी के गढ़ में बीजेपी का स्कोर कार्ड विरोधी दलों के लिए चुनौती और चिंता का सबब है, क्योंकि 2016 वाले चुनाव में बीजेपी को महज 4 सीटें मिली थी और आज हाफ सेंचुरी के करीब पहुंच गई। भाग्यनगर निजाम कल्चर से मुक्ति जैसे राष्ट्रवादी मुद्दों पर बीजेपी सधी रणनीति के साथ मैदान में उतरी और शाह योगी जैसे धुरंधरों ने कमान संभाली और इसका असर यह रहा कि ओवैसी के गढ़ में बीजेपी की ताकत 10 गुना बढ़ गई। साथ ही बीजेपी ने यह भी दिखाया कि चुनाव कैसे लड़े जाते हैं। देखिए फाइनल स्कोर कार्ड, भारतीय जनता पार्टी 49, टीआरएस हार के भी जीती है क्योंकि इससे पहले टीआरएस के पास 99 सीट थी और ये टीआरएस तेलंगाना की पार्टी मानी जाती है, 56 सीट्स मिली है 99 की जगह। स्कोर कार्ड एक बार फिर से दिखाइए प्लीज, और आप देखिए स्कोर कार्ड क्या कहता है। AIMIM पिछली बार उसके पास 43 से काफी ऊपर सीटें थी, लेकिन इस बार 43 पर सिमट कर रह गई है। प्रदर्शन कम हुआ है, बीजेपी नंबर 2 की पार्टी बन गई है और कांग्रेस 2 पर। 4 से 49 कितने गुना जंप है आप खुद सोच सकते हैं, कैलकुलेट करिएगा। लेकिन इस बीच बिहार के प्रभारी और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव को हैदराबाद नगर निगम चुनाव सौंपी गई थी और मिशन हैदराबाद में उन्होंने बीजेपी की रणनीति को सियासत की पिच पर उतारा और बीजेपी सीधे 4 से हाफ सेंचुरी के करीब पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी ने टीआरएस और ओवैसी के गढ़ में सेंध लगा दी है और हैदराबाद निकाय चुनाव में जो चुनाव की रणनीति बनाई थी वो भूपेंद्र यादव जी ने बनाई थी। इस वक्त भूपेंद्र जी हमारे साथ हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरीके के नतीजे आए हैं वो भी साउथ में, इन नतीजों के क्या मायने हैं और ये माना जाए कि साउथ में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंस नहीं थी इसके बाद आप लोग मजबूती से साउथ में दस्तक दे रहे हैं? हाँ, स्वाभाविक रूप से सबसे पहले तो हैदराबाद कॉरपोरेशन के चुनाव में हैदराबाद के समस्त मतदाताओं का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में बहुत मजबूती के साथ विश्वास किया। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि टीआरएस की राज्य सरकार ने इस चुनाव को कई तरीके से अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने का प्रयास किया। चुनाव प्रचार के नॉमिनेशन में समय नहीं दिया गया, प्रचार में दिक्कत पैदा की गई, बैलेट पे चुनाव लेके गए और आखिरी दिन तो उन्होंने ये भी घोषित कर दिया कि बैलेट पे मोहर के साथ किसी ने पेन से भी टिक कर दिया हो तो उसको भी मान लिया जाए। तो हर तरीके से इस चुनाव में उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने का प्रयोग किया और आपने बहुत सारे ट्वीट भी देखे होंगे कि टीआरएस वालों ने खुलकर पैसा बांटने का भी प्रयास किया, लेकिन लोग समझ गए थे कि लोकतंत्र में मत का मूल्य गवर्नेंस के लिए होता है, गुड गवर्नेंस के लिए होता है, और इसलिए उन्होंने डायनेस्टी बेस्ड करप्ट गवर्नमेंट को हराने के लिए वोट दिया था और ये टीआरएस की मॉरल डिफीट है। उनको अपना कोई बहुमत नहीं मिला है और टीआरएस और एमआईएम का जो गुप्त समझौता है वो भी इससे उजागर हुआ है। भूपेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि जिस तरीके से आप लोगों ने कैंपेन किया, आप लोगों के ऊपर आपके विरोधी आरोप लगा रहे थे कि इतने बड़े बड़े नेताओं को एक निकाय चुनाव में उतार दिया, तो क्या डेमोक्रेसी में चुनाव छोटा बड़ा या इसको गलत आकलन वो कर गए? पहली बात तो जो हम पे आरोप लगा रहे हैं तो उनके उनके पार्टी के शीर्ष नेता ने प्रचार नहीं किया, तो क्या किसी पार्टी के नेता को प्रचार नहीं करना चाहिए? क्या लोकतांत्रिक संस्थाओं को पार्टी के नेताओं को महत्व नहीं देना चाहिए? और टीआरएस वाले बताएं कि वह हैदराबाद को गली कहते हैं, हैदराबाद तो हिंदुस्तान का दिल है और इसलिए ये निश्चित रूप से उनकी निराशा की बात है। भारतीय जनता पार्टी के में शीर्षस्थ नेतृत्व का, पार्टी अध्यक्ष श्री अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का बल्कि आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उन्होंने जिस तरीके से मैदान में जाकर के उत्साहवर्धन किया, मेरे को लगता है ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए आदर्श विषय हो सकता है।
तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या बीजेपी का चुनावी प्रबंधन आज के दौर में बेजोड़ है। हम इस सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि एक म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव को भी राष्ट्रीय स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रबंधन ने, और एक ही स्ट्रोक में 4 से लेकर 49 सीटों तक की दूरी तय कर ली। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर हमारी अपनी राय हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके उस पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर राय दे सकते हैं, फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। आप शो के दौरान हम आपको इसका जवाब भी दिखाएंगे, आप बताएंगे कि देश की बहस के दर्शक क्या कहते हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान अगर आपकी कोई राय है या सुझाव है या कोई सवाल है या आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो बनाकर 9711002266 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सीधे सबसे पहले मैं अपने पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, वो मेरे साथ हैं। अवनीजी श्रीवास्तव जी प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आरएसएस के विचारक हैं, वो मेरे साथ हैं। डॉक्टर ए प्रभु एक डेंटिस्ट हैं, अगर हम बात करें हैदराबाद के बड़े जागरूक सिटीजन हैं, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मेरे साथ इनायत अली बकरी साहब हैं जो कि टीआरएस पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं। मेरे साथ मौलाना सईदुल कादरी हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप हमारे शो में बहुत आप उनको देखते हैं। खुशामदीद मौलाना साहब, अजमल खान साहब थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, AIMIM के स्पोक्स पर्सन हैं, और तहसीम पूनावाला एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के नज़दीकी माने जाते हैं। मौलाना साहब आज क्या हो गया एकदम से, क्या हो गया ओवैसी साहब को कि मतलब इतना बुरा परफॉर्मेंस, हैदराबाद में नंबर 3 की पार्टी बन गई, वो भी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में। आप तो बोल रहे थे मेयर उनका बनेगा। देखिए बीजेपी के जश्न की तस्वीर चल रही है, जितने लड्डू खिला रहे हैं आपके मुंह में, आपको भी खिलाना चाह रहे हैं मौलाना कादरी, आप बोलिए तो वर्चुअली खिलवा दूं मैं आपको लड्डू उनका। 44 सीट्स लास्ट टाइम जीते थे और 60 सीट्स पे लड़े थे, अब के 51 सीट लड़े और 43 सीट्स पे कामयाबी हासिल की। तो सर एक तो कम हो गई ना, अराउंड 82% जो है स्ट्राइक सर, अगर बब्बर शेर के मान में ही कोई शेर को पूंछ हिलाकर आ जाए तो उसको आप क्या कहेंगे? देखिए ये जो बीजेपी के 49 सीट आए हैं इसमें जो है MIM का कोई दखल नहीं है, MIM अपना परफॉर्मेंस बेहतरीन की और वो इस परफॉर्मेंस से सर एक सीट कम हो गई, गम नहीं है आपको? बीजेपी जीत गई आपकी जानी दुश्मन, चले कोई बात नहीं आज इसकी बात नहीं करते हैं। आप सबसे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी को दिल से बधाई दे दीजिए, अब निजेश अवस्थी जी को भी दे दीजिए, रोज झगड़ते रहते हैं कि भैया आपका हैदराबाद में स्वागत है, और मैं भी मानता हूँ कि निजाम कल्चर से मुक्ति होनी चाहिए। अब निजेश जी आपको बधाई दे रहे हैं मौलाना कादरी, और गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आपको भी बोल दीजिए सर बधाई दे दीजिए, कोई बधाई के लायक नहीं है वो। अरे सर क्यों के लायक ये पोलराइज करके सारे हैदराबाद का माहौल खराब किया था, अब उसको क्लीन करने के लिए काफी टाइम लगेगा। कादरी साहब मतलब आप तो ऐसे ना थे, कादरी साहब आप क्या करते हैं, कादरी साहब आप तो ऐसे ना थे, आप क्या करते हैं मतलब बधाई भी ना देंगे कादरी साहब, ये तो गलत बात हुई सर, डेमोक्रेसी में ऐसा थोड़ी होता है, और सेक्युलरिज्म में ऐसा लिखा है कि आप बधाई नहीं देते सेक्युलर लोग। मैं पूछ रहा हूँ अवनीश जी कि सेक्युलरिज्म वालों के किताब में ऐसा लिखा तो हुआ है, साहब सेक्युलर नहीं है, सेक्युलर लोग बधाई नहीं देते, कादरी साहब सेक्युलर नहीं है, दीपक जी कादरी साहब सेक्युलर नहीं है, वो बिल्कुल सेक्युलर मुस्लिम पार्टी है, वो तो खुलेआम कहते हैं हम मुस्लिम पार्टी है। नहीं 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 वो 51 सीटों पर लड़ते हैं सिर्फ, 150 में से सिर्फ 51 सीटों पर लड़ते हैं वो, सिर्फ बिहार में कुछ सीटें लड़ते हैं वो जाते ही नहीं है, वो तो कहते हैं हम तो सिर्फ मुस्लिम पार्टी है, वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं है। दीपक जी बड़ी साफ सी बात है ये, इन्होंने अगर आज वो कहते हैं तो बताए ना कि 51 सीटों पर लड़के मेयर बना रहे थे आप, कादरी साहब मैं क्या मालूम 51 सीटों पर लड़के मेयर बना रहे थे आप, मेयर कहाँ गया आपका, मेयर कादरी साहब ही बनेंगे, समझौता करते हो, अभी जो सोर्सेज आ रहे हैं गोपाल जी डिप्टी मेयर आपका बनेगा, क्या कहेंगे आप? कादरी जी आपको हम लड्डू खिलाएंगे, सुनो पहले ये जो है जो सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन सर मेरे पास करना चाहिए, मेरे पास लड्डू है वो, इनका एड्रेस है कादरी साहब का, आपको दूंगा कल आप किसी स्वदेशी कंपनी से इनको बढ़िया सी बर्फी लड्डू जो भी इनको अच्छा लगता हो भिजवा दीजिएगा। नहीं हम तो खाना भी खिलाने को तैयार है कादरी साहब, घर पे स्वागत है आपका, आइए क्योंकि हैदराबाद में खिलाएंगे,
बिरयानी खिलाएंगे आपको। आप तो अभी बधाई सर मुझे खिला देना, शायद अग्रवाल जी नहीं खाते हो, मैं खा लूंगा। कब खिलवाएंगे बिरयानी हैदराबादी? आपकी जो सर्जिकल स्ट्राइक वाला जो कमेंट था उसके लिए अभी तो भी माफी चाह लीजिए, वक्त है अभी। अभी तो बधाई, कोई बात नहीं सर, मैं एड्रेस आपका दे रहा हूँ। आप भले से इनको मिठाई ना खिलाएं, बधाई ना दे, गोपाल अग्रवाल जी आपको बढ़िया अच्छी सी मिठाई भेजेंगे, दिल्ली की, पुरानी दिल्ली की। बिल्कुल गोपाल जी, हैदराबाद की सबसे बड़ी बात यह है, आइए जरूर कादरी साहब, एक बात का जवाब दे दो, कादरी साहब एक बात का जवाब दे दो कि सेक्युलरिज्म की आपकी डेफिनेशन क्या है? मुस्लिम परस्ती है? क्योंकि जनता ने तो उस पर आपको एक करारा तमाचा लगाया है आपके इस डेफिनेशन पे, आप अभी समझे कि नहीं, ये बता दीजिए। मेरा मतलब ये है, सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि बगैर मजहब को देखे कि गवर्नमेंट का ये फरीजा है कि वो हर एक का ख्याल रखे, लेकिन बीजेपी की मरकजी हुकूमत इसमें नाकाम रही। जब हैदराबाद में फ्लड आए तो एक रुपया नहीं दिया, क्यों मुसलमानों की बस्तियों में पानी घुसा, वही कर्नाटक में आप सर सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट आप लोगों ने बना रखे, इसलिए बस्तियों में पानी घुसा। आपको नहीं मालूम हुसैन सागर का पानी क्यों घुसा बस्तियों में? मैं बता देता हूँ मौलाना साहब का कारण, क्योंकि सबसे ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड हैदराबाद सिटी के अंदर है। और मैं इसका जवाब प्रभु साहब से ले लेता हूँ, डॉक्टर प्रभु, क्या सबसे ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड सिटी हैदराबाद के अंदर है या नहीं? क्या फ्लड आने का ये बड़ा कारण नहीं था कि जो नेचुरली पानी जाता था वो उस इलीगल कंस्ट्रक्शन के कारण रुक गया? डॉक्टर प्रभु बताइए, क्या ये हकीकत नहीं है? डॉक्टर प्रभु मेरी आवाज आ रही है आपको? बांध बांध टूट नहीं सकेगा। अच्छा चलिए मैं डॉक्टर प्रभु के पास जाऊं, उससे पहले मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे मित्र तहसीम पुनावाला है। सर सर सेंट्रल गवर्नमेंट एक रुपया क्यों नहीं दी, ये बताइए। अच्छा मौलाना साहब चुनाव चला गया, आप कोई वोट नहीं मिलेगा, अब कोई वोट नहीं मिलेगा, आपकी पार्टी का परफॉर्मेंस घट गया। आप तो कह रहे कि घर घर कहते हो ओवैसी साहब, तो फिर तो 51 जीतनी थी ना, जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी थी वहाँ भी आप हार गए। मुसलमानों को देख के आप कैंडिडेट खड़ा करें, उसके बाद भी हार गए। 82% अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तहसीम पुनावाला जी, तहसीम पुनावाला जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, 2019 के बाद आपके जो विचारों के नजदीक पॉलिटिकल पार्टी है, विचारों के नजदीक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने कसम खा ली है कि नहीं भाई अब तो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं हम, अब तो चुनाव में हमको जाना नहीं है, जब चुनाव हो, जब संसद का सत्र हो, राहुल गांधी या तो छुट्टी पे या विदेश या सल्किंग मोड में। क्या कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया है कि इन 5 सालों के दौरान उसको हर चुनाव में बद से बदतर प्रदर्शन करना है? क्योंकि मुझे आज यही सवाल सूझा। दीपक भाई, अव्वल तो मैं गोपाल जी और अवस्थी जी को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ, ठीक है, और ये भी बोल दीजिए कादरी जी, आप भी दे दीजिए, मौलाना कादरी जी से बोल दीजिए, आपके मित्र हैं उनको भी बोल दीजिए, कम से कम बधाई तो दे दीजिए कादरी जी। नहीं मैं बधाई नहीं, ये तो जब देता जब वो सर्जिकल स्ट्राइक वाली बात ना करते। सर हो जाएगी किसी दिन, भागते फिरेंगे फिर आप, सर हो गई किसी दिन तो भागते फिरेंगे। सर हो गई ना तो भागते फिरेंगे, जितने रोहिंगे और बांग्लादेशी है। तहसीम पुनावाला प्लीज बोलिए जी। दो चीज, मैं आपका शो जब शुरू हुआ मैं भूपेंद्र यादव जी का इंटरव्यू देख रहा था, और मैंने अक्सर टीवी चैनल्स पर भूपेंद्र जी और नड्डा जी, सुनील दियोधर जी, जो शायद गोपाल जी बताएगी मुझे, आंध्रा के इंचार्ज है इस वक्त, सेक्रेटरी है तेलंगाना के मुझे नहीं पता, पर त्रिपुरा के जरूर सेक्रेटरी थे, ये जिस तरह के वर्कफोर्स बीजेपी ने तैयार किया अमित शाह जी ने, उसके मुकाबले, क्योंकि आपका प्रश्न कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, मैं एक चीज को हंस रहा था, और दीपक जी आपको ये चीज याद है, मैंने ट्वीट भी किया था, जयराम रमेश जी अपनी किताब में लिखते, क्योंकि उनको ये जिम्मेदारी दी थी आंध्र और तेलंगाना का डिवीजन करने के लिए, तो उन्होंने किताब में लिखा है और मैं उनको कोट कर रहा हूं, मैंने दोनों सूबों को, दोनों प्रदेशों को नाराज किया। अब मेरी समझ में नहीं आता है दीपक जी, क्योंकि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, मैं पूरी तरह से राजनीति में इन्वॉल्व हूं एज अ पोलिटिकल एनालिस्ट, मुझे राजनीति बहुत। अब एक राजनेता की तरह आपको दोनों को खुश करना चाहिए, आप दोनों को नाराज करते हो, फिर फक्र अगर आपको महसूस करते हो तो आप कैसे जीतोगे?
तेलंगाना में। सर सर मैंने आपसे सवाल कुछ और पूछा था, आप ज्ञान गणित बांटने लगे। सर बौद्धिक अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो कृपया शाखा में जाया करिए, देश की बहस इसके लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या राहुल गांधी जी आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने कसम खा ली है 2019 के बाद कि कोई भी चुनाव ढंग से नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, और शायद अगले 5 साल में 2024 तक कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने की हालत में भी ना रहे, जिस गति से आप जा रहे हैं। अगर मैं अपनी बात खत्म कर दूं तो तेलंगाना में खास करके गांधी परिवार और सोनिया जी के लिए बहुत बहुत सिंपति, सहानुभूति, प्यार है, लेकिन अगर ल्यूटिनेंट ऐसी नहीं मिलेगी जैसे भूपेंद्र यादव के पास, अगर जयराम रमी जैसे लोग रहेंगे तो जीतने। सर फिर ज्ञान दे रहे हैं आप, नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा सर, कभी आप मेरी बात करें कभी आप अपनी करें चल जाता है, पर अब आप अन्याय कर रहे हैं दर्शकों के साथ, लोग समझेंगे तहसील पूना वाला अपने रिश्तेदार राहुल गांधी जी को बचाना चाहते हैं। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, पर सवाल आज ये बनता है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। इलेक्शन में बीजेपी की जीत के पीछे कांग्रेस का भी मौलाना के साथ डिबेट नहीं करूंगा, अगर उनका लीडर डाउन कर दो क्योंकि ये इसमें बोलते मुझे नहीं। चलिए मौलाना साहब रुक जाइए, आपकी बात का जवाब वो नहीं देना चाहते, लेकिन मैं बता दूं आप उनको लड्डू नहीं खिलाना चाहते, उनका लड्डू नहीं लेना चाहते, ये आपकी बात का जवाब नहीं देना चाहते, इसे कहते हैं सेक्युलर पॉलिटिक्स, दोनों सेक्युलर पार्टियां हैं, देखिए क्या हालत है दोनों की। तहसील पूनावाला जी बताइए क्या राहुल गांधी ने कसम खाई है कि कोई भी चुनाव ढंग से नहीं लड़ेगी कांग्रेस? उसके पहले मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, एमआईएम सेक्युलर पार्टी है, एमआईएम एक कम्युनल पार्टी है। सर कितने साल अलायंस था कांग्रेस के साथ? सर कांग्रेस के साथ कितने साल अलायंस था आपका एमआईएम से? मुस्लिम लीग के साथ सरकार क्यों बनाई थी बताइए ना, हाल ही की राजनीति की बात कर रहा हूँ, कोई 1947 से पहले की बात मत बोलिएगा। जी मैं उसके पहले की बात नहीं कर रहा, फिर उसके पहले तो हिंदू महासभा के साथ थी, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता, हाल ही की बात करना चाहता हूँ, संक्षेप में बात करूंगा। जब ओवैसी साहब ने हिंदू देवी देवता, सर मुझे ये तो बता दीजिए ना, क्या राहुल गांधी ने किसी मंदिर में जाके कसम खाई है कि 2019 से 2024 तक मैं कांग्रेस पार्टी को कोई भी चुनाव ढंग से नहीं लड़ने दूंगा? सर आपने एक सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देता हूँ, दूसरे पे चले जाते। आप जवाब दे ही नहीं रहे ना, मुझे पता है राहुल गांधी जी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ सर, आपकी फैमिली के मुझे पता है, लेकिन आपको जवाब तो देना होगा ना, आज देश ये सवाल पूछ रहा है। लेकिन आप बिल्कुल दुखा था, लेकिन आपने एक आरोप लगाया उसका भी जवाब दूंगा। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया सर, आपने आरोप लगाया, मैंने तो सिंपल सवाल पूछा कि क्या राहुल गांधी जी ने ये डिसाइड कर लिया है कि 2019 से 2024 तक किसी अपनी पार्टी को कोई भी चुनाव ढंग से नहीं लड़ने दूंगा? मुझे उस सवाल का जवाब देना है, उसके पहले आपने एक आरोप लगाया उसका जवाब मुझे देने का इजाजत दी, छोटे में जवाब दूंगा दोनों सवाल के। आपने आरोप लगाया कि ये अलायंस में थे या नहीं, मैम मैं उसका जवाब आपको दे दूं, बिल्कुल अलायंस में थे, अलायंस में होने के बावजूद उन्होंने जो अपमानित किया हिंदू देवी देवताओं को, मनमोहन सिंह जी की 56 इंच की छाती थी उसको जेल में डाला, उसके बाद ओवैसी जी का हाल का बयान है कि जहां जिन सूबों में कांग्रेस का की सरकार है हुकूमत है उनको उनको कैंपेनिंग करने का अधिकार नहीं मिलता, लेकिन आए दिन वो बीजेपी के सूबों में जाते हिंदू मुसलमान का बंटवारा करते, ओवैसी बीजेपी की बी टीम में। अब आपके सवाल का जवाब देता हूं, राहुल गांधी जब अध्यक्ष थे कई चुनाव जीता है उन्होंने कांग्रेस को, मसलन मध्य प्रदेश, मसलन अरुणाचल, मसलन गोवा, किस तरह से हुकूमतें बदली गई ये आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, फर्क सिर्फ इतना है अमित शाह करे उसे चाणक्य नीति कहते, कोई और करे तो आप कहते कि उसमें लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ठीक है आपने मान लिया कि राहुल गांधी जी, मैं मतलब अब ठीक है, मैं तो 2019 के बाद की बात कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ 2019 के बाद उन्होंने क्या कसम खाई है कि मैं कांग्रेस को कोई भी चुनाव ढंग से नहीं लड़ने दूंगा, ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। मैं सीधे डॉक्टर प्रभु के पास चलता हूं, डॉक्टर प्रभु बीजेपी के इतने शानदार प्रदर्शन का क्या कारण था और क्या ओवैसी के लिए अब ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं है कि उनकी मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं चलेगी? फिर टीआरएस के पास जाऊंगा। दीपक जी ऐसा है कि ये बीजेपी का इतना बड़ा जो सीट आने का कारण ये है कि जितने माइग्रेंट्स है जो आंध्रा के सटीक जैसा कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र के हो गए, और जितने सारे माइग्रेंट्स और कई सारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो ऑफिस पे जाके काम करने वाले जो घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो ये पूरे सारे जितने माइग्रेंट सेटलर्स जो हैदराबाद में हैं इनको सब बीजेपी ने, इन सब लोग बीजेपी को वोट डाला है, सब के सब बीजेपी को वोट डाला है इन्होंने। और आप देखिए जैसा बेगम बाज़ार है वो टोटल लगभग मुस्लिम इलाका है, लेकिन वहाँ पर पूरा बीजेपी आ चुका है,
मैक्सिमम जितने भी सेटलर्स से, हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन से उस इलाके में सबके सब बीजेपी को वोट डाले हैं। और ये कोविड अब जैसा अमित शाह आए हैं, देखिए अमित शाह आए हैं, जेपी नड्डा साहब आए हैं और अब योगी जी आए हैं, और इन तीनों आने से लगभग हाफ सेंचुरी मार दिया। आप सोचिए अगर मोदी जी आते तो सेंचुरी मार देते। लेकिन डॉक्टर प्रभु ये जानना चाहता हूँ, आपने बेगम बाजार इलाके का जिक्र किया, क्या मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट किया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, जितने मुसलमानों ने नहीं किया, लेकिन जितने जो हिंदू लोग हैं वो 101% मतलब शत प्रतिशत उन्होंने घर घर से निकल निकल के उन्होंने वोट किया बीजेपी को। इसके पहले कोई भी चुनाव में हिंदू लोग कहीं नहीं निकलते थे, लेकिन इस बार हर एक व्यक्ति, हर एक हिंदू घर से निकल के वोट किए हैं और लोग मोटिवेट किए हैं। ये सेल्फ मोटिवेशन हुआ है, मतलब लोग अपने खुद से जाके वोट किए हैं इस बार। बाहरी लोग, चौरसिया जी, बाहरी लोग आके हैदराबाद का माहौल खराब कर रहे हैं, ये बात हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं, आप मान लीजिए। बाहर के लोग आके हैदराबाद का माहौल खराब कर रहे हैं, जो मूल निवासी है हैदराबाद का, नहीं जो मौलाना साहब का बस चलता था, आज पाकिस्तान के मौलाना होते हैं, पाकिस्तान के नहीं। आपके निजाम का बस चलता था, पाकिस्तान के मौलाना होते हैं, हिंदुस्तान के नहीं। डॉक्टर प्रभु जवाब दे रहे हैं आपको। और बाहर और अंदर क्या होता है? नहीं सर, नहीं मैं कहता हूँ सर, बाहर के नहीं, मैं कहता हूँ ये बाहरी लोग, मैंने नहीं कहा, ये सभी हिंदुस्तान के लोग हैं जो हैदराबाद में आके सेटलर्स हैं, जो कई लोगों को इन्होंने जॉब दिया है, कई लोगों को इन्होंने बिजनेस बढ़ाया है, लेकिन जब सर इन्हीं लोगों के बल पे आप बोलते हो आईटी की नंबर वन सिटी है, इन्हीं के बल पे चिल्लाते हैं आप, डॉक्टर प्रभु ये सही है ना, इन्हीं के बल पे चिल्लाते हैं आईटी की नंबर वन सिटी है, वही लोग है ना ये सब? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ। देखिए ये आईटी में और नीचे काम करने वाले वो भी बता दीजिए मौलाना कादरी, आपके पास तो सबका कास्ट सर्टिफिकेट और रिलीजन सर्टिफिकेट दोनों होगा। मुसलमानों को अपना हैदराबाद की अलग है, तेलंगाना की तेलुगु अलग है, उर्दू तक अलग है, उर्दू की मिठास आप कौन सी तेलंगाना की उर्दू बोलते हैं कि निजाम की उर्दू बोलते हैं? आप कौन सी उर्दू बोलते हैं, तेलंगाना की बोलते हैं कि निजाम की बोलते हैं? निजाम हमारे बादशाह थे, क्यों नहीं समझते कि आपसे बनारस हिंदू मुसलमान भी आपको छोड़ के जा रहे हैं? ठीक है, मैं इसी सवाल पर अब विजय जी के पास जाऊंगा, टीआरएस के नेता से मेरा संपर्क कट रहा है, आ रहा है, जा रहा है, प्लीज उनको सेवल कर लिया। विजय जी बताइए, पहले तो ये बताइए कि किन कंडीशंस के साथ हैदराबाद के नवाब ने बीएचयू को पैसे दिए थे, क्या क्या कहा गया था, क्या क्या शर्तें लिखी थी, और क्या ये एक्सपोज किया जाना जरूरी नहीं है कि ये वही नवाब थे जो पाकिस्तान और कहां कहां अपने पैसे भेज रहे थे, क्या क्या किया था, थोड़ा बता दीजिए मौलाना साहब, पढ़ते लिखते कम है थोड़ा, इनको जानकारी अधूरी है। और ये भी बताइए कि हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद के निजाम के बारे में भारत के बाकी लोग क्या सोचते हैं? तालीम पे खर्चा करते थे, एजुकेशन पे खर्चा करते थे, ऐसा सेंट मैरीज कादरी साहब, सेंट पॉल, कादरी साहब, कादरी साहब सुन लीजिए, कादरी साहब निजाम ने अपनी सेना खड़ी की थी, अब सुन लीजिए ना कादरी साहब, सुन भी तो ले, सुनिए कादरी साहब, आपके बारे में मैं आपको एक बात बताता हूं, अच्छा सुन लीजिए, अब कादरी साहब आप जो कह रहे हैं ना 51 में से 43 सीटें जीते हैं, उसके बारे में एक बड़ी प्रसिद्ध चुटकुला है कि एक घर में लड़का आया, बच्चा आया, पापा पापा मैं आज रेस में दूसरे नंबर पे आया, उन्होंने पूछा कि कितने लोग दौड़े थे, उनका दो लोग दौड़े थे सर, आप वहाँ आप 150 में से 51 सीटों पे लड़ते हो और कहते हो 43 जीतते हो, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, आप पूरे भारतवर्ष में इधर उधर लड़ते हो, जाकर के इलेक्शन लड़ने की कोशिश करते हो, हैदराबाद में अपने गढ़ में 150 में सिर्फ 51 लड़ते हो, कोई कारण है आपके पास, और फिर हैदराबाद के में मेयर बनने की बात करते हो, विकास करने की बात करते हो, सिर्फ 51 सीटें लड़ करके, 51 सीटें लड़ करके आप मेयर कैसे बनाओगे, महापौर कैसे बनाओगे, कोई है देश, क्या हैदराबाद की जनता को बेवकूफ समझते हो क्या? हैदराबाद की जनता ना बेवकूफ है, ना भारत की जनता बेवकूफ है। दूसरी बात सुन लीजिए, अब कादरी साहब मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, कादरी साहब आपके बीच में नहीं बोला था ना,
कादरी साहब आप सुन भी तो लीजिए ना, आपके बीच में नहीं बोला था ना, आप सुन लीजिए, 10 सेकंड सुन लीजिए, मुझे सुन लीजिए, सुन तो लीजिए ना कादरी साहब, सुन लीजिए। अरे जब मैं बोलना बंद करूं तो आप बोल लीजिएगा, आपको कुछ कहना चाहते हैं, बधाई नहीं मांग रहे हो। अरे 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 कादरी साहब, ये वही हैदराबाद के निजाम थे जिनको सरदार पटेल का क्या मैसेज गया था, आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। सरदार पटेल ने किस भाषा में उनसे बात की थी, और रजाकार जो हैं वहां पर क्या कह रहे थे, और निजाम अपनी सेना के माध्यम से क्या कहना चाह रहा था, ये देश की जनता को जानने का हक है, आप इसको झुठला नहीं सकते। तीसरी बात, मैं तहसीम पूना वाले से जरूर कहूंगा, उन्होंने कहा राहुल गांधी जब तक थे तब तक तो सारे इलेक्शन जीतते रहे, तो अब भी तो भैया सोनिया जी हैं, अध्यक्ष तो वही हैं, आप क्यों जयराम रमेश को इसके लिए सिर पर ठीकरा फोड़ रहे हो कि जयराम रमेश की वजह से। अरे राज्यों का बंटवारा तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का भी हुआ था, वहां तो कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, हिंसा नहीं हुई, ऐसा क्यों करते हो? कांग्रेस हमेशा क्यों इस तरीके की हरकतें करती है जिससे देश में अशांति हो, अराजकता हो, और उस अशांति और अराजकता में अपनी सत्ता के सीट पर पहुंचे। आज भी कांग्रेस वही कर रही है, कांग्रेस ने लगातार यही कहा कि किसी भी तरीके से देश में शांति ना हो, अराजकता बनी रहे, दंगे होते रहे, ताकि उस दंगों का इस्तेमाल करके एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से, एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ा करके फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाती रही। अब देश की राजनीति का व्याकरण बदल गया है, देश की राजनीति अब बांटने की राजनीति पर नहीं चलने वाली। ये जब तक कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा तब तक कांग्रेस सही दिशा में नहीं जा सकती, वो चुनाव में सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। मुझे हैरत होती है, मुझे सचमुच हैरत होती है कि लगातार 70 सालों तक देश में दंगे होते रहे। मैं एक बड़ी साफ सी बात कहता हूं कि हैदराबाद की जनता ने, उसमें बाहरी और अंदरूनी का सवाल नहीं है, सवाल सिर्फ यह है कि देश की जनता ने, हैदराबाद के नागरिकों ने, हैदराबाद के मतदाताओं ने, वो इस देश के मतदाता हैं, इस देश के नागरिक हैं, अगर उन्होंने किसी एक दल को चुना है, किसी एक दल में विश्वास अपना व्यक्त किया है, तो उसको स्वीकारना चाहिए। ठीक है, यस, सीधे उस पार्टी में इस देश की जनता का विश्वास है, लोकतंत्र का तकाजा ये है। अरे अभी तो मौलाना साहब को काटिए प्लीज, मौलाना साहब देखिए जस्ट की तस्वीरें, हैदराबाद में नाच रहे बीजेपी के लोग, आज एमआईएमआई ने इतना बढ़िया स्ट्राइक रेट रहा, वो जस्ट क्यों नहीं मना रहे हैं बताइए ना मौलाना साहब, आप भी जलसा लेकर नहीं निकले, जुलूस भी निकलेंगे, बराबर होगा, इंतजार किया, आपको कवरेज करने बुलाएंगे भी। नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूँ आप एक बढ़िया सा डांस करें, जब ओवैसी साहब की इतनी शानदार जीत हुई है तो मौलाना साहब क्या थोड़ा तो बनता है ना सर। सर ऐसी बात मत करिए, आप अपनी गरिमा में रहिए। चलिए माफ कीजिएगा, अगर मैं आपको अपसेट बिल्कुल नहीं करना चाहता था, मैं एक बहुत लाइटर नोट पे कोई बात कर रहा था, लेकिन प्रबल प्रताप शाही गोरखपुर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रबल आप क्या कहेंगे आज के जनादेश के बारे में, और आपको क्या लगता है, एक बड़ा नारा दिया गया था निजाम कल्चर से मुक्ति, क्या आपको लगता है कि ये शुरुआत हो चुकी है हैदराबाद में? सर्वप्रथम नमस्कार दीपक भाई, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बताइए प्रबल। पर सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी को उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बधाई दूंगा, और टीआरएस ने भी 56 सीटें जीती, एमआईएम ने भी 41 सीटों के आसपास। लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़ा विषय ये है कि अब 1947 की हिसाब से राजनीति को अलविदा करना चाहिए एमआईएम को। संविधान के बारे में हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बार एट लॉ है, बैरिस्टर हैं ओवैसी साहब, उनको 1947 की जिस तरीके से पहले की राजनीति होती थी जिसमें अल्पसंख्यक समाज को डराने की कोशिश करते थे, वैसे ही वो कर लार्जर इंटरेस्ट में अब उनको काम करना चाहिए। अजमल खान साहब को दिखाइए, जब से प्रबल भाई की बात का जवाब देंगे वो। जब तक हिंदुस्तान में जब से संविधान लागू हो गया है तब से सबको समान हक मिल गए हैं, तो इसमें डराने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज है, जो साउदर्न पार्ट है हमारे देश का, वहां पे बंगाल की खाड़ी से चक्रवात हमेशा आते, अभी बाढ़ आई है, तो इसलिए मैं सारी पार्टियों से आग्रह करूंगा, मैं एक पॉलिटिकल व्यक्ति भी हूं लेकिन अभी मैं जनता के तरह से बोल रहा हूं, तो इसलिए मैं सारी पॉलिटिकल पार्टियों से बात करूंगा कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मेजर इशू है, इसलिए सब लोग मिलकर
क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए अपने शहरों को तैयार करें, और वर्ल्ड 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 सिटी है। इनायत भाई के पास सीधे करता हूं। प्रबल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनायत भाई मुझे बताइए, टीआरएस से क्या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ? 99 से ठीक है 50 के आसपास आ जाएंगे, आपको ये उम्मीद थी? और क्या आपको लगा था भारतीय जनता पार्टी इतना शानदार प्रदर्शन कर लेगी? माफ कीजिएगा, मैंने आपके लिए पुकारा था अजमल साहब, आप नहीं थे उस वक्त। अब मैंने अगला सवाल टीआरएस से ले लिया। जी असल मैं आपको बताते चलूं कि तेलंगाना में हैदराबाद का जो इलेक्शन है, बीजेपी के लिए कोई नया इलेक्शन नहीं है। बीजेपी आते नहीं, पिछले 30 साल से लगातार हैदराबाद के लिए लड़ते रही है। ऑलरेडी सिकंदराबाद में बाईस से एक पार्लियामेंट मेंबर उनका इलेक्ट हुआ है। उस हिसाब से जो सीटें बीजेपी ने ली है वो कोई ताजुब की बात नहीं है, और ना ही उसको इतना खुश होने की बात है, जबकि पूरी दिल्ली इस गली को आ चुकी थी हैदराबाद को। ऐसे मैं चाहता हूँ क्या मेयर बना लिए, या इनका डिप्टी मेयर बन गया, या ये क्या हासिल कर लिए? मैं चाहूँ कि अभी बीजेपी को बहुत कुछ यहाँ पर करना, वो जो तैयारी कर रही है, मगर इन्होंने एक तोते हुए शेर केसीआर को छेड़ा है। अब वो दिल्ली ये गली से दिल्ली तक आएंगे, मुझे पूरा यकीन है। मतलब अब केसीआर हैदराबाद नहीं संभाल पा रहे, इसलिए वो दिल्ली आएंगे प्रधानमंत्री बनने, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल आएंगे, और वो जरूर प्राइम मिनिस्टर देश को संभालेंगे, हमें यकीन है, क्योंकि केसीआर जो सोचते हैं वो करते हैं। ठीक है गोपाल अग्रवाल जी, आप डर जाइए, राहुल गांधी चुनौती नहीं बने तो केसीआर जरूर आपके लिए चुनौती बनने वाले हैं। इनायत भाई ने कह दिया, ये केसीआर का हाल भी वही होने वाला है जो राहुल गांधी का हुआ है। अपनी जगह भी कहा, अपनी जगह को वो भी गोवा और कहीं घूमने जाएंगे, ये तो देख लेंगे, वक्त बता जाएंगे। देखिए पहली बात ये है कि ये लोग समझते नहीं है कि जनता की भावनाएं क्या है। नहीं जनता की भावनाएं क्या है ये तो समझना चाहिए ना। इलेक्शन लड़ना चाहते हो, इलेक्शन जीतना चाहते हो, अरे जनता भी चैलेंज चाहती है। जनता सड़क गया जो अलगाववाद की राजनीति करते हो ना, इसके दिन निपट चुके हैं। जनता चाहती है ये नारे से नहीं जीतते इलेक्शन, अग्रवाल जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, राजनीति शायद बदल रही है, मुझे भी ऐसा लगता है राजनीति देश की बदल रही है। डॉक्टर प्रभु क्या कहेंगे इनायत भाई की बात पर? वो कह रहे हैं कि भाई केसीआर सोता हुआ शेर था, आपने जगा दिया। सवाल ये कि अपने जंगल में शेर क्यों सो रहा था? सोते हुए शेर को अगर जगा दिया है तो क्या दिल्ली तक आ जाएंगे? मोदी जी को डरना चाहिए केसीआर से? दीपक भाई ऐसा है कि देखिएगे कि जब अमित शाह जी आए थे और योगी जी आए थे और जेपी नड्डा सब आए थे, तो क्या सो रहे थे? जागे ही तो थे, तो जागते हुए उन्होंने कर क्या लिया? देखिए 50 हाफ सेंचुरी तक आ गए, अभी तो शुरू नहीं हुआ ना। देखिए सर हाफ सेंचुरी, देखिए वहां पे तो दिल्ली में तो सभी लोग जाग रहे हैं, दिल्ली में तो सभी लोग जाग रहे हैं, ऐसा नहीं कोई सो नहीं रहा है। लेकिन ये सोचने की बात ये है कि दिल्ली में किसान जागा हुआ है, दिल्ली के अंदर जवान जागा हुआ है। ये सोचने की बात है कि सिर्फ नेशनल के लीडर, देखिए नेशनल के लीडर, सुनिएगा सर, मैं आपने बात कर लिया सर, एक सेकंड क्या कह रहे हैं? देखिए एक बार सुन लीजिएगा। देखिए सर अगर इनको हाफ सेंचुरी, चार से फिफ्टी आने के लिए आपको चिंतन मंथन करना चाहिए कि ये ऐसा हुआ क्यों, ऐसा किस लिए हुआ, है ना सर? तो आपको गहराई से सोचना चाहिए कि 4 से 50 हाफ सेंचुरी तो किस लिए हुआ, किस कारण हुआ, आपने क्या सब कुछ किया है? अगर किया है तो फिर हुआ क्यों नहीं? और इसने 4 से 40, आप 99 से 50 को आ गए, आप सेंचुरी से आप हाफ सेंचुरी आ गए, ये हाफ सेंचुरी तक पहुंच गए, लगभग दोनों सेम। मैं चौरसिया जी के जरिए एक बात बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ हैदराबाद को भाग्यानगर की बात कर रहे हैं। मैं बीजेपी को फिर कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर जी को कह रहा हूँ, पहले इंडिया को भारत बनाइए। जब वो यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, भारत के नहीं। पहले भारत की बात करें, पहले भारत को भारत बनाए, बाद में वो इंडिया का नाम तब्दील करे। अरे तो सबके सामने बोल तो दो कि हैदराबाद को भाग्यनगर कर दे, सबसे पहले हैदराबाद को भाग्यनगर कर दे।
मैं बता रहा हूँ से शुरू करते हैं बनाए पहले आप प्राइम मिनिस्टर ऐसा मैं बता रहा ना आप ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले इंडिया बन लीजिए भारत बनाइए पहले भारत का संविधान के लिए बात कीजिए भारत के लिए पूरी देश के अंदर पूरी दुनिया के अंदर तो एक काम करिए ना सर इनायत भाई कल केसीआर से चिट्ठी लिखवा दीजिए मैं कल उस पर डिबेट करूंगा कल अपने नेता से एक चिट्ठी लिखवा दीजिए एक मुख्यमंत्री मांग कर ले फिर हम उस बहस को आगे लेकर चलेंगे पूरे देश भर में माहौल बनाएंगे कि इंडिया को भारत बनाया जाए केसीआर चिट्ठी लिखेंगे हैदराबाद को भाग्यनगर का पत्र ले लो इनसे मैं पूछ रहा हूं हैदराबाद को भाग्यनगर का केसीआर चिट्ठी लिखेंगे क्या केसीआर चिट्ठी लिखेंगे कि इंडिया को भारत बनाया जाए क्या इंडिया पहले इंडिया का नाम छुड़ाया जाए ये अब हमारा प्राइम मिनिस्टर अमेरिका लंदन फ्रांस जाता है इंडियन आपसे केसीआर चिट्ठी लिखेंगे क्या केसीआर चिट्ठी लिखेंगे इंडिया को भारत किया जाए बराबर जो अंग्रेजों का नाम दिया है उसे बदलना चाहिए पहले केसीआर कहेंगे ऐसा छोटे स्टेटों में नाम बदलने से कुछ नहीं होगा एक डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा ये तो तहसील पूना वाला की पार्टी की गलती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लिखा गया इंडिया दैट इज भारत तहसीम जी क्यों लिखा गया इंडिया दैट इज भारत बताइए केसीआर जवाब मांग रहे हैं आपसे मुझे नहीं पता कि मैं कैन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज पहले इंडिया को भारत बनाइए भाई बाद में सब कीजिए मैं नहीं चाहता प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाते हैं तो लोग कहते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर सर अगर आई हैव टू आस्क यू सुन लीजिए नायक भाई सुन लीजिए ना अजमल जी के पास भी जाना है उनका कनेक्शन कट गया था जब मैंने उनसे सवाल पूछा था जी सर पहली बात तो हम एक बहुत सीरियस न्यूज चैनल पे है आप इस देश के नंबर वन एंकर और टॉप तीन एंकर में गिने जाते हो सर और बहुत सीरियस बात करें इस तरह की जुवेनाइल बच्चों जैसी बातें भारत का संविधान अगर किसी बच्चे ने भी पढ़ा है देश का नाम इंडिया और भारत दो है ये दोनों ही भारत के ऑफिशियल नहीं है तो आपको अगर नहीं पता देना चाहिए भारत का संविधान कहा जाता है इंडियन इंडियन एक्ट में भी इंडियन एक्ट कहा जाता है अंग्रेजों को छोड़ना पड़ेगा पहले भारत की बात करना चाहिए सर आई कैन नॉट बदलना चलेगा हैदराबाद बदलना चलेगा पहले इंडिया तो बदलो सर सर आई कैन नॉट इनायत भाई प्लीज रुक जाइए वैसे एक दर्शक मुझसे सवाल पूछ रहे सर चौहान साहब चौहान साहब सर मैं नहीं जानता हूँ ये व्यक्ति कौन है किस तरह की बातें कर रहा है सर एक टीआरएस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है राज्य के सर जो भी हो गए सर ये इस तरह की बचपनी बचकना बातें कर रहा है इस तरह संविधान बनाए आप आज निजाम कल्चर कह देते हैं आप हैदराबाद को भाग्यनगर बना देते हो बचपना नहीं है आपका प्राइम मिनिस्टर आपका होम मिनिस्टर आके यहाँ पर बचपन अच्छा ठीक है आप अजमल जी को बोलने दीजिए तहसीम भाई मैं एक मिनट में आपके पास आऊंगा बुजुर्ग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अजमल भाई क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ अब कैसे बनेगा AIMIM का मेयर आपका सपना तो टूट गया मेरा सुंदर सपना टूट गया बड़ा पुराना गाना है पुराने जमाने का देखिए दीपक जी अब ये आपका सपना रहा होगा 51 सीटों पे हम इलेक्शन लड़ रहे थे 150 टोटल सीटें हैं अगर आपने ये उम्मीद लगा रखी थी कि हमारा मेयर होगा तो आपको शुभकामनाएं आप ही पिछले शो में बोल रहे थे 51 सीटों पे लड़ रहे थे 44 पिछली बार सर आप ही पिछले शो में बोल रहे थे कि मेयर है डिप्टी मेयर हमारा होता है आप ही बोल रहे थे पिछले शो में हमने एक बार भी नहीं बोला आप उसको रिवाइंड करके देख लीजिए हमने एक बार भी नहीं बोला अच्छा चलिए सर आपने कहा 51 सीटों पर लड़े मुझे एक चीज बताइए हैदराबाद से ओवैसी साहब सांसद हैं मैं लॉजिकल सवाल पूछता हूं आपसे हैदराबाद से ओवैसी साहब सांसद हैं जी वहां पर 150 में से 51 सीटों पर लड़ते हैं फिर बिहार में लड़ने चले जाते हैं बंगाल में लड़ने चले जाते हैं उत्तर प्रदेश में लड़ने चले जाते हैं अरे भाई पहले अपने घर को तो मजबूत कर ले अपने घर में 150 में से 150 सीटों पर लड़ ले उसके बाद राष्ट्रीय नेता बन जाए जी अब जवाब सुन लीजिए जी जवाब सुन लीजिए हमारी जितनी राजनीतिक हैसियत होगी उतनी सीटों पर लड़ेंगे बिहार में हम 20 सीटों पर लड़े थे अभी उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी और टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी का MLC का इलेक्शन हुआ है भारत के प्रधानमंत्री जी बनारस से MP हैं योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से हैं बनारस में हार गए गोरखपुर से लड़े नहीं 6 सीटों पे इलेक्शन हुआ था 4 सीटों पे लड़े यहाँ पे उनकी पार्टी पावर में है सेंटर में उनकी पार्टी पावर पे है तो हमारी जितनी हैसियत होगी उतनी लड़ेंगे आप हमारी हैसियत बढ़ा के आ रहे हैं हमें 150 सीटों पर लड़ना चाहिए इसके लिए आप मुबारकबाद के पात्र हैं नहीं नहीं सर मैं तो ये पूछ रहा हूँ मतलब अपने ही घर को छोड़ के आप बिहार चले जाते हैं उत्तर प्रदेश चले जाते हैं बंगाल जाने की बात कर रहे हैं इतनी तैयारी तो कर लेंगे अपने घर में लड़ने पहले उसके बाद फिर देखेंगे दुनिया फतेह कर लेंगे
मेरा घर जी, मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है और हम अपने घर के जिस कोने में रहना चाहेंगे और जहां से जितना लड़ना चाहेंगे वो लड़ेंगे, किसी दूसरे की एडवाइस पे नहीं लड़ेंगे। ये राजनीति है, हमने आपको बताया ना, भाजपा की सेंटर में सरकार है, भाजपा की उत्तर प्रदेश में सरकार है, अभी यहाँ इलेक्शन हुए, अभी यहाँ इलेक्शन, सुन लीजिए, अरे जवाब पूरा सुन लीजिए, अभी इलेक्शन यहाँ हुए, 40 सीटें पर लड़े, 4 सीट पर लड़ी, क्यों नस्ल खत्म करने की बातें कैसे करते हो जनता, इसीलिए तो माफ नहीं करते। भाई हम हमारे सारी ताकत बीजेपी को दिखाने, भाई बीजेपी के टॉप लीडर जिन्ना को लेके आए, जिन्ना को मरे कितने दिन हो गए, हिंदुस्तान उसके पहले छोड़ के चले गए थे, उनको लेके हर इलेक्शन में पाकिस्तान बांग्लादेश आ जाता है, आपके बॉटम लीडर है क्या? जो सवाल खड़े करते हैं उनका तो कोई सवाल करता नहीं, प्रचार प्रसार करते हैं, एक परिवार के अलावा किसी को देख पाते हो, अपना भाई है, अपना भतीजा है। अरे भाई मोदी जी का परिवार आगे नहीं बढ़ रहा है, योगी जी का परिवार आगे नहीं बढ़ रहा, इसमें भी हमारा दोष है, अटल बिहारी वाजपेयी का परिवार नहीं था, इसमें भी हमारा दोष है, कमाल की सवाल करते हैं आप। परिवारों के सारे परिवार के लोग ही कब्जा कर लेंगे राजनीति पे आपके, ये कोई तरीका है? अरे सच्चाई को समझो, अरे भाई महाराष्ट्र में कौन सा ओबीसी परिवार का कौन लड़ा, बिहार में हम लड़े ओबीसी परिवार का कौन लड़ा, भाई क्या बात कर रहे हैं आप? MIM में सत्ता कब्जा किसने कर रखा है, एक परिवार के अलग सोच सकते हैं आप? ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ, एक कमेंट में डॉक्टर प्रभु से लेना चाहूंगा और फिर मैं जाऊंगा अब नीतीश अवस्थी जी के पास। डॉक्टर प्रभु सिद्धांत के पास, उसके पास जाऊंगा। मुझे बताइए क्या कारण है कि अजमल खान साहब की पार्टी ऐसा प्रदर्शन करी, और क्यों ये 51 सीटों से ज्यादा नहीं लड़ते हैं, इनका डर क्या है, या ये KCR और इनकी अंडरस्टैंडिंग है कि इतनों पर आप लड़ो इतनों पर हम लड़ते हैं, मुसलमान वाली सीटें हम लड़ लेते हैं, हिंदू वाली आप ले जाओ, तो हमारा जो सरकार का गणित है वो ठीक बिठा रहे? देखिए मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ 51 सीट के लिए इसलिए लड़ते हैं क्योंकि ये सीमित है, ये उसी दायरे पे सीमित है। मैं चाहता हूँ जब आप भारत बोल के कहते हो तो आप पूरे लड़ो, आप हर सीट पे लड़ना, आप एक जगह सीमित मत रहिए, गठबंधन मत करिए। देखिए बीजेपी ने हर जगह से लड़ा, हर जगह से, और व्यक्ति को घर से खुद होके उन्होंने बाहर जाके उन्होंने किया, और ये सिर्फ 51 सीट से अगर उनको लड़ना ही है, अगर वो कह रहे हैं कि भारत दिखे सब हमारा यह सब हम एक ही है, तो उनको हर जगह से लड़ना चाहिए, हर एक सीट से लड़ना चाहिए। आपको लगता है लड़ना चाहिए? चलिए मैं अवनीजय जी से यही सवाल लेके जाता हूँ। अवनीजय जी, ये क्या सत्ता की अंडरस्टैंडिंग है कि KCR आप इतने पे लड़ो, इससे पहले कांग्रेस आप इतने पे लड़ो और AIMIM इतने पे लड़ेगी, जो मुसलमानों का इलाका वो मुस्लिम पार्टी का और जो बाकी इलाका वो सेक्युलर पार्टी का, ताकि सत्ता का अर्थमेटिक बना रहे? नहीं दीपक जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तो इन्होंने खुद मान लिया कि हमारी हैसियत ही 51% की, 51 सीटों पर लड़ने की थी। क्यों थी आपकी? क्योंकि आप एक संप्रदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ एक संप्रदाय के बीच की राजनीति करते हैं, यहाँ हो बंगाल हो बिहार हो उत्तर प्रदेश हो, आप किन सीटों पर लड़ते हैं, और फिर अपने आप को धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं। इस देश की जनता को समझना चाहिए ये कि एक संप्रदाय की राजनीति करने वाला सीना तान के कहता है मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, और जो पूरे देश में जो सबको बिना किसी भेदभाव के चाहे गैस देती हो चाहे मकान देती हो चाहे सब्सिडी देती हो उसको सांप्रदायिक करार देते हैं। मतलब ये इस देश की राजनीति की कितनी बड़ी विडंबना है कि बिना किसी भेदभाव के गवर्नेंस में सरकारी नीतियों में कहीं किसी तरीके का भेदभाव नहीं, उसके बावजूद उसको सांप्रदायिक कहना, हैदराबाद का नाम भाग्यनगर कहना क्या सांप्रदायिक है? क्या क्यों सांप्रदायिक है? औरंगजेब को क्रूर कहना सांप्रदायिक है क्या? निजाम ने जब भारतवर्ष में विलय से इनकार किया था तो निजाम शाही को खत्म करना, निजाम की मानसिकता को खत्म करना क्या सांप्रदायिकता है क्या? ठीक है, मैं यहीं पर आपको रोकूंगा डॉक्टर अवस्थी, हम आगे बात करेंगे, ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, सिद्धांत मिश्रा के पास लखनऊ चलता हूं। सिद्धांत क्या कहेंगे आज के चुनाव परिणामों के बारे में, आप क्या सीख मिलती है और क्या पॉलिटिकल मैसेज जाता है एक दर्शक के तौर पर आपको? जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगा कि भाजपा अब जो आ रही है इसका पूरी तरीके से एंट्री कर लिया है भाजपा ने, और ये हैदराबाद आप देख ही रहे हैं, हैदराबाद पूरी तरीके से 1000% ग्रोइंग के साथ में वहां पे चुनाव जीती है भाजपा। अगर हम बात करें प्रीवियस चुनाव की, जहां सिर्फ 2 से 3 सीटें हुआ करती थी तकरीबन, अभी हम 50 के ऊपर पहुंच चुके हैं।
सो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि जनता जागरूक हो चुकी है, अब उसको पता है कौन क्या करना चाह रहा है, कौन सी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जनता जागृत हो चुकी है। और मेरे ख्याल से ये प्रजातंत्र का है बहुत बड़ी, अगर ऐसा है सिद्धार्थ तो मैं कहूंगा कि ये प्रजातंत्र की, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मजबूती और वाइब्रेंसी का एक सबूत है। मैंने ऐसा दुनिया के बहुत कम, लगभग सभी देशों में गया हूं जहां डेमोक्रेसी है, ऐसा बहुत कम देशों में देखा है कि सरकार जाती है अगले दिन किसी विपरीत विचारधारा की आती है लेकिन फिर भी सत्ता परिवर्तन होता है, कोई जनरल घुस के प्राइम मिनिस्टर हाउस पर कब्जा नहीं कर लेता। एक ब्रेक के लिए रुकूंगा लेकिन ब्रेक के बाद बहस जारी रहेगी। तहसीम से बात की शुरुआत करेंगे।